हमारा ये सोचना है कि मार्च एंड तक गुवाहाटी तक भाया रंगिया जो गुवाहाटी तक का रास्ता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अभी बोंगई गांव से लेके सरूपेटा तक का जो खंड है उस पर 2.2 किलो वोल्ट की एंटी थेफ्ट चार्जिंग चालू की गई है और अभी मार्च एंड तक जैसा मैंने कहा गुवाहाटी तक हमारा काम पूरा होने के चांसेस है। उसके बाद गुवाहाटी आने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ और फ्रेट की गाड़ियाँ ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आ सकती है तो उससे एक एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होगी, पोल्यूशन पे भी कंट्रोल आएगा, हमारे परिचालन में भी काफ़ी सुधार आएगा और समय पालन जो हम गाड़ियों का रखते हैं उसमें भी सुधार आने की उम्मीद है। तो एक जो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है यानी रंगिया से कामाख्या का डबलिंग वाया गोलपाड़ा होके एक रूट है और वाया रंगिया होके दूसरा रूट है, इन दोनों रूट के डबलिंग के लिए करीब करीब 960 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रावधान के चलते ये दोनों प्रोजेक्ट्स को काफ़ी गति मिलेगी और जैसा कि अभी कहा जा रहा है दुधनई तक मतलब बोंगई गाँव से लेकर दुधनई तक का जो डबलिंग है वो जून 2021 तक पूरा होने के आसार है और अगले साल बिजनी तक भी डबलिंग का कुछ काम पूरा होने के आसार है। जैसा कि आप सभी को विदित है दो सर्वे रिपोर्ट पाठशाला नांगलाम और रंगिया सामडुंग जोंखार ये दोनों सर्वे रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को NF रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा सौंपी गई है और इस पे अब आगे की कार्रवाई कंस्ट्रक्शन विभाग और रेलवे बोर्ड की तरफ से होगी। इसमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, कितना उसमें ट्रैफिक मिलेगा, ये सारा असेसमेंट करके अब इस पे आगे की कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ यथासंभव कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं इसको मंजूरी की एक प्रक्रिया है, उसमें रेलवे मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, फिर नीति जो है उसके पास भी जाना पड़ता है और अल्टीमेटली फाइनली जो कैबिनेट डिसीजन है उसके लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई है तो अगर आगे चल के इस सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है और सैंक्शन मिल जाती है तब इसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं। की भी है, मेरी भी है, रेलवे की भी है, तो जब तक क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट मेन रोल कर रहा है कि कोविड रोकना, तो जब तक उनको वो नहीं कहेंगे तब तक हम लोग ज़्यादा गाड़ी चला दे और फिर कुछ बढ़ने लगे केसेस, ये सब नहीं होना चाहिए। रिस्क मतलब उनके असेसमेंट पे वो निर्भर करता है। रोडिंग तो जो इंडन लगाएगा उसका होता रहेगा, लेकिन जैसे अब उसमें लाइटिंग इम्प्रूव करनी है, सरफेस इम्प्रूव करना है, हाईवे से कनेक्टिंग रास्ता इम्प्रूव करना है, तो उस रंगिया से मरकोंग से लेक तो जो असम के अंदर अंदर ही अगर कोई गाड़ी अगर और चलाने के लिए गवर्नमेंट कहती है तो उस पर ज़रूर सकारात्मक विचार होगा। तीन बड़े ब्रिज है, आई नदी, मानस रिवर और बेकी रिवर, तो उसका भी काम चल रहा है, तीनों नदियों पर ब्रिज बनाने का। बिजनी तक आ जाएगा, बिजनी तक वहाँ से आने का उनका प्लानिंग है। तो जो कलवर्ट बनाने के काम है इस तरह के काम अभी शुरू है और अगले मार्च तक ये बिजनी तक डबलिंग पूरा करने का इनका प्लान है, मतलब मार्च 22। हाँ, ये यहाँ से बोंगई गांव से लेके बिजनी तक की डबलिंग, जो दुधनई तक अभी आने का उनका इरादा है 30 जून 2021 तक। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अभयापुरी से जोगी घोपा, पंचरत्न और पंचरत्न के आगे दुधनई तक, ये 30 जून 2021 तक इस खंड का डबलिंग पूरा हो जाएगा। इसमें सिर्फ पंचरत्न और जोगी घोपा के बीच में जो नरनारायण सेतु है वहाँ का काम हो सकता है थोड़ा डिले हो, क्योंकि वो नदी पे वो दूसरा ट्रैक उसी ब्रिज पे लगाने का काम है।